डे स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका। और हम आज स्टडी करने जा रहे हैं हमारे इससे पिछले के टॉपिक से आगे हम बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। पिछले हमने बात की थी डिफ्रेंशिएट की, हमने डिफ्रेंशिएट किया था किसके जरिए, हमने डिफ्रेंशिएट किया है एल्कोहल्स के अंदर ल्यूकास टेस्ट और विक्टर में टेस्ट। इससे पहले एस्ट्रीफिकेशन रिएक्शन जो है, एस्ट्रीकरण रिएक्शन है, उसके जरिए हम इसमें में विभेद कर सकते हैं, हाइड्रोजनीकरण रिएक्शन से कर सकते हैं और एक और ऑक्सीकरण से भी इसका विभेद किया जा सकता है प्यारे बच्चों। तो हम बात कर रहे हैं, दो विधियां आपने पढ़ी थी तीसरी मेथड के बारे में जो इससे पिछले वीडियो में हमने डाली थी, और उससे आगे हम स्टडी करने जा रहे हैं। तीसरी मेथड हमारी जो विभेद करने की है वह एस्टरीकरण रिएक्शन, एस्टरीकरण जिससे हम विभेद कर सकते हैं। नंबर थ्री मेथड है हमारी, नंबर फोर मेथड है ऑक्सीकरण, और नंबर फाइव मेथड है वी हाइड्रोजनीकरण। तो प्यारे बच्चों इस प्रकार से ये तीन मेथड हैं, एस्ट्रीकरण, ऑक्सीकरण और विहाइड्रोजनीकरण। तो सबसे पहले हम एस्ट्रीकरण के बारे में बात करते हैं। एस्ट्रीकरण में क्या होता है प्यारे बच्चों, एस्ट्रीकरण में हम प्राथमिक और द्वितीयक तृतीयक एल्कोहल का विभेद करते हैं। वो किस प्रकार से करते हैं, एस्ट्रीकरण जो रिएक्शन होती है उस रिएक्शन को कैसे लिख पाएंगे। जैसे इसमें एस्टर का निर्माण होता है, हम जानते हैं एस्टर का निर्माण होता है इसमें, इस अभिक्रिया में। अभिक्रिया आप पहले पढ़ चुके हो प्यारे बच्चों। ऑक्सीकरण में ऑक्सीकरण हम करते हैं, वी हाइड्रोजनीकरण में हाइड्रोजन को बाहर निकाल देते हैं। तो इसमें हम देखेंगे एस्टरीकरण रिएक्शन में प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी एल्कोहल का क्रम देखें। तो देखें ये CH3CH2OH है प्यारे बच्चों, और इसमें से दूसरा हम ले रहे हैं इसमें CH3CH3CHOH, ये हमने सेकेंडरी एल्कोहल लिख दिया। इसके बाद में हम ये टर्शियरी एल्कोहल लिख रहे हैं। अब देखिए एस्टरीकरण अभिक्रिया के प्रति ये जो CH3CH2OH है ये ज़्यादा क्रियाशील होता है, प्राइमरी एल्कोहल जो है वो ज़्यादा क्रियाशील होता है द्वितीय के एल्कोहल और तृतीय के एल्कोहल की तुलना में। अब देखिए इसके बारे में हम बात करें तो देखेंगे कि CH3 मेथिल ग्रुप एक इसमें ऐड है, जो कि क्या दर्शाता है, पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट दर्शाता है। ठीक है, यहाँ पर कितने मेथिल ग्रुप ऐड हैं इस कार्बन के साथ, सेकेंडरी कार्बन के साथ, तो यहाँ दो मेथिल ग्रुप एड हैं जो कि क्या दर्शाते हैं, प्लस आई प्रभाव दर्शाते हैं। यहाँ पर कितने मेथिल समूह एड हैं, तीन मेथिल समूह एड हैं जो कि क्या दर्शाते हैं प्यारे बच्चों, प्लस आई प्रभाव ये दर्शाते हैं। ठीक है, पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट दर्शाते हैं। अब हम देख रहे हैं कि पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट ये दर्शा रहे हैं, तो एस्टरीकरण अभिक्रिया से इसका क्या मतलब है। ठीक है, तो हम देखेंगे कि यदि मेथिल ग्रुप जो है वो क्या करता है, इस CH2 ग्रुप को क्या देता है, इलेक्ट्रॉन देता है, इलेक्ट्रॉन देता है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाती है, अधिक हो जाती है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाती है, अधिक हो जाती है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यदि ज़्यादा हो जाती है तो इस बॉन्ड की जो पोलैरिटी है वो क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। यहाँ इस कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन घनत्व का मान बढ़ जाता है, इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ने के कारण से, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर का होता है, प्लस आई प्रभाव दर्शाता है, इस कारण से यहाँ पर इस कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ जाता है। इस बंध के बीच में क्या होता है, पोलैरिटी जो होती है वो डिक्रीज हो जाती है, ध्रुवणता कम हो जाती है, जिसकी वजह से ये OH बंध आसानी से नहीं टूट पाता है। इस कारण से ये एक ये जो अभिक्रिया है इसके प्रति क्या हो जाता है, ये अधिक क्रियाशील, सॉरी यहाँ पर हम इसमें कम क्रियाशीलता और अधिक क्रियाशीलता की बात करेंगे। तो यहाँ केवल एक मेथिल ग्रुप है, इस कारण से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का मान क्या हो जाता है, इसके ऊपर बढ़ जाता है, लेकिन इतना अधिक नहीं बढ़ पाता क्योंकि यहाँ पर दो पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट दर्शाने वाले और यहाँ पर तीन पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट दर्शाने वाले मेथिल ग्रुप एड है। इस कारण से इसकी ध्रुवणता में इतनी अधिक कमी नहीं होती है और ध्रुवणता इसकी बनी रहती है, जिसकी वजह से बॉन्ड टूट जाता है और ये एस्टरीकरण अभिक्रिया आसानी से दे देता है। लेकिन यदि हम देखते हैं इसके अंदर सेकेंडरी एल्कोहल के अंदर, तो सेकेंडरी एल्कोहल में दो मेथिल ग्रुप एड है और दो मेथिल ग्रुप होने के कारण से यहाँ पर ये दो पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट दर्शाते हैं, इलेक्ट्रॉन घनत्व का मान अधिक बढ़ जाता है प्राइमरी एल्कोहल की तुलना में और ध्रुवण क्षमता कम हो जाती है बंध की, और इस कारण से बंध आसानी से नहीं टूट पाता और इसकी क्रियाशीलता कम हो जाती है एस्टरीकरण अभिक्रिया के प्रति। और तीसरी बारे में हम बात करते हैं, इसमें तीन मेथिल समूह एड है और तीन मेथिल समूह एड होने के कारण से यहाँ पर तीनों ही ये प्लस आई प्रभाव दर्शाते हैं और तीनों ही इलेक्ट्रॉन घनत्व का मान बहुत अधिक बढ़ा देते हैं इस 3 डिग्री कार्बन के। इस कारण से बंध की ध्रुवणता जो होती है बहुत ही कम हो जाती है, इसकी वजह से यहाँ बंध आसानी से नहीं टूट पाता है और ये सबसे कम क्रियाशील होता है एस्टरीकरण अभिक्रिया के प्रति। ये रही प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी एल्कोहल में विभेद की बात एस्टरीकरण अभिक्रिया के द्वारा। इसके बाद हम बात करते हैं नंबर फोर ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण के जरिए हम कैसे डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी एल्कोहल को। तो ऑक्सीकरण में देखिए प्यारे बच्चों, ऑक्सीकरण हम करते हैं तो प्राइमरी एल्कोहल कन्वर्ट हो जाता है एसिटाल्डिहाइड में, जैसे CH3CH2OH है प्राइमरी एल्कोहल, इसका ऑक्सीडेशन करें तो इसमें से वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएगा और CH3CHO बन जाएगा। क्या बन जाएगा, CH3CHO एसिटाल्डिहाइड। यदि हम सेकेंडरी एल्कोहल हैं इसका ऑक्सीकरण कर देते हैं
तो इसमें से भी वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाता है और एसीटोन इसमें बन जाता है। क्या बन जाता है पहले बच्चों? एसीटोन बन जाता है, ठीक है। और जो तृतीयक एल्कोहल है CH3OH, इस प्रकार से ये प्राइमरी एल्कोहल लिया हमने, ये सेकेंडरी एल्कोहल लिया और ये टर्शियरी एल्कोहल हम इसमें यूज़ करने जा रहे हैं। अब इसमें भी हम क्या कराते हैं? ऑक्सीकरण करवाते हैं, उसी की भांति ऑक्सीकरण हम करवाते हैं तो हम देखेंगे इसके अंदर क्या हो जाएगा। एक तो कीटोन समूह निकल जाएगा बाहर, क्या निकल जाएगा इसमें से? इस प्रकार से कीटोन निकल जाएगा, ठीक है। और वाटर मोलिक्यूल H2O भी रिमूव हो जाएगा, ठीक है। H2O रिमूव हो गया और क्या बन जाता है इसमें से? एसीटोन। और इसके साथ ही यहाँ पे कार्बन और हाइड्रोजन बचे हुए हैं, ऑक्सीकरण कर रहे हैं, एक फार्मिक एसिड भी बन जाता है। तो हम देखेंगे प्राइमरी एल्कोहल जो है वो क्या बनाता है। प्राइमरी एल्कोहल एसिटेल्डिहाइड का निर्माण करता है, ऑक्सीकृत होकर के द्वितीयक एल्कोहल है वो एसीटोन का निर्माण करता है, और तृतीयक एल्कोहल ऑक्सीकृत होकर के एसीटोन और फार्मिक एसिड का निर्माण करता है। इस प्रकार से हम ऑक्सीकरण के द्वारा विभेद कर पाएंगे, प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी एल्कोहल में विभेद कर पाएंगे। फिर बात करते हैं वी हाइड्रोजनीकरण की। तो प्यारे बच्चों, वी हाइड्रोजनीकरण, डी हाइड्रोजिनेशन को हम पढ़ते हैं, तो वी हाइड्रोजनीकरण में हम रिएक्शन लिखते हैं प्यारे बच्चों, वही CH3CH2OH, मतलब प्राथमिक एल्कोहल लिखेंगे, वो ही हम द्वितीयक एल्कोहल CH3CH3CHOH लिखेंगे, और तृतीयक एल्कोहल CH3CH3CH3OH, प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी एल्कोहल हम लिख लेते हैं, ठीक है। वी हाइड्रोजनीकरण करते हैं कॉपर चूर्ण और 573 केल्विन टेम्परेचर, कॉपर चूर्ण और 573 केल्विन टेम्परेचर, कॉपर चूर्ण और 573 केल्विन टेम्परेचर। वी हाइड्रोजनीकरण का मतलब हाइड्रोजन बाहर निकालना, तो ये प्राइमरी एल्कोहल हाइड्रोजन बाहर निकाल देता है HH, और इसमें से हमें उत्पाद के रूप में मिलता है एसीटेल्डिहाइड CH3CHO, इसमें से भी हाइड्रोजन बाहर निकाल देते हैं और उत्पाद के रूप में हमें मिलता है एसीटोन, ठीक है, एसीटोन बन जाता है। लेकिन तृतीयक एल्कोहल एक्टिव हाइड्रोजन उपस्थित न होने के कारण, दोनों में क्या है, एक्टिव हाइड्रोजन उपस्थित है, इसमें एक्टिव हाइड्रोजन नहीं उपस्थित है, तो ये वी हाइड्रोजनीकरण नहीं देता। वी हाइड्रोजनीकरण न देख करके ये क्या देता है, निर्जलीकरण रिएक्शन कंप्लीट करता है। इसमें वी हाइड्रोजनीकरण कंप्लीट न होकर के क्या होता है, निर्जलीकरण हो जाता है। तीनों ही मेथिल समूह में से किसी एक मेथिल समूह के एक हाइड्रोजन का OH समूह के साथ स्थानांतरण होता है, और इसमें से क्या निकलता है, H2O निकलता है। डिहाइड्रेशन रिएक्शन होती है, निर्जलीकरण अभिक्रिया होती है, न कि वी हाइड्रोजनीकरण। उत्पाद बन जाता है C डबल बॉन्ड CH2CH3, सिंगल बॉन्ड CH3, ठीक है, ये बन जाता है। इसका नाम है 2-methyl prop 1-ene का निर्माण हो जाता है। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों, में एस्टरीकरण, ऑक्सीकरण और वी हाइड्रोजनीकरण तीनों में, तीनों के द्वारा हम एल्कोहल में विभेद कर पाएंगे, प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी एल्कोहल में हम विभेद कर पाएंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहल में विभेद करते हैं एस्टरीकरण, ऑक्सीकरण और वी हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया के द्वारा, ठीक है। आगे पढ़ते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। टोटल 5 मेथड हमने डिफरेंशिएट की पढ़ी है, इससे पिछली वीडियो में ल्यूकास और विक्टर मेयर टेस्ट, और यहाँ पर हमने पढ़ी है एस्टरीकरण, ऑक्सीकरण और वी हाइड्रोजनीकरण। अब बात करेंगे हम कुछ महत्वपूर्ण एल्कोहलों के बारे में, कुछ महत्वपूर्ण एल्कोहलों के बारे में बात करेंगे हम। तो सबसे पहले लेंगे मेथेनॉल को। मेथेनॉल, इसका केमिकल फॉर्मूला होता है CH3OH। इसका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, CH3OH। मेथेनॉल का निर्माण कैसे करेंगे प्यारे बच्चों? इसको कास्ट स्प्रिट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको, अदर नेम इसका क्या है, कास्ट स्प्रिट भी इसको कहा जाता है, क्योंकि इसको कास्ट के लकड़ी जो होती है उसके भंजक आसपन से, उसके फर्मेंटेशन से, उसको किण्वन से, उसके भंजक आसपन से प्राप्त किया जाता है। जो जैसे हम देखते हैं जो बेर की झाड़ियाँ होती हैं, उन बेर की झाड़ियों के नीचे की जड़ होती है, उनको रांग जड़ के नाम से जाना जाता है। उन जड़ों को हम क्या करते हैं, उनको फर्मेंटेशन किण्वन करते हैं, उन लकड़ियों से उनके का क्या होता है, फर्मेंटेशन होता है, उनका किण्वन होता है, और उसकी वजह से
उनसे ये प्राप्त होता है, तो इसको कास्ट स्प्रिट के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, इसको वुड स्प्रिट के नाम से भी जाना जाता है प्यारे बच्चों। तो वुड स्प्रिट है ये, कास्ट स्प्रिट है, ठीक है, मेथेनॉल जो होता है, और इसका निर्माण हम ओरिजिनली सामान्य तरीके से औद्योगिक रूप से इसका निर्माण कैसे कर पाएंगे, तो औद्योगिक रूप से जो वाटर गैस होती है CO+H2, जिसे हम वाटर गैस भी कहते हैं, वाटर गैस जो होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड जो होती है उसके साथ हाइड्रोजन गैस की अभिक्रिया कराते हैं, दो हाइड्रोजन गैस इसमें ली जाती है, लगभग 623 केल्विन टेम्परेचर होता है, 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर ये रिएक्शन कंप्लीट होती है, और प्यारे बच्चों इसमें CuO, ZnO और CrO3 उत्प्रेरक भी यूज़ में लिए जाते हैं। अब हम देखेंगे दो चार हाइड्रोजन है, दो इसमें एक कार्बन एक ऑक्सीजन है, तो उत्पाद बन जाएगा CH3OH मेथेनॉल। तो इस प्रकार से कार्बन मोनोऑक्साइड का हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करके क्या बना देते हैं, मेथेनॉल का निर्माण यहाँ पर कर देते हैं, ठीक है, ये मेथेनॉल को ओरिजिनली प्रिपेयर की मेथड है ये। अब हम मेथेनॉल के भौतिक गुण की बात करें, फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में इसकी बात करें, फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में बात करें, तो ये जो मेथेनॉल होता है ये क्या होता है, ये बहुत ज़्यादा विषाक्त नेचर का होता है, इसकी प्रकृति विषाक्त होती है, ठीक है, इसके कम सेवन से क्या आ जाता है, कम सेवन से अंधापन आ जाता है और ज़्यादा सेवन से व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। नंबर दो, यह रंगहीन द्रव होता है। नंबर तीन, जल में व कार्बनिक विलायकों में विलेय होता है, में विलेय होता है, ठीक है, इसकी प्रकृति क्या होती है, विषाक्त होती है, कम सेवन से अंधापन और ज़्यादा सेवन से व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, रंगहीन द्रव होता है, जल में कार्बनिक विलायक मिले होता है, हाइड्रोजन बंध बनाने की प्रकृति इसकी होती है, ठीक है, और बहुत सी जो के और जो एल्कोहल देते हैं वो रिएक्शन देते हैं, ठीक है, एल्कोहलों में होने वाली लगभग समस्त रासायनिक अभिक्रियाएं ये एल्कोहल जो होते हैं वो देते हैं, ये इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी है, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं इसके उपयोग की, उपयोग की, तो उपयोग नंबर वन है, पेंट जो होता है या वार्निश जो होती है उनके विलायक के रूप में इसको यूज़ किया जाता है, वार्निश के विलायक के रूप में। नंबर दो, जो एथेनॉल होता है उसको विकृतिकृत करने में इसका उपयोग होता है, विकृतिकृत करने मतलब जो एथेनॉल होता है, जो शराब होती है उसको पीने के अयोग्य बनाने के लिए, उसको पीने के लायक नहीं रखने के लिए इसको मिलाया जाता है मेथेनॉल को एथेनॉल में, तो वो विकृत हो जाती है, ठीक है। नंबर तीन, महत्वपूर्ण कार्बनिक विलायकों, कार्बनिक यौगिकों जैसे CH3I के निर्माण में, इसके निर्माण में ये यूज़ में लिया जाता है, ठीक है। इस प्रकार से इसके हम औद्योगिक रूप से भी कई प्रकार से उद्योग धंधों में मेथेनॉल को यूज़ में लिया जाता है। तो ये मेन यूजेज मैंने लिखे हैं, पेंट वार्निश के विलायक के रूप में, एथेनॉल को विकृतिकृत करने में, महत्वपूर्ण कारण यौगिक जैसे CH3I के निर्माण में, ठीक है। ये हमने टॉपिक कंप्लीट किया है प्यारे बच्चों, मेथेनॉल की स्टडी हमने कर ली है। अब हम बात करते हैं एथेनॉल की, नंबर टू हमारे लिए इंपॉर्टेंट जो कंपाउंड है उसके बारे में हम बात करते हैं आगे। नंबर सेकंड, एथेनॉल का सूत्र क्या होता है, केमिकल फॉर्मूला क्या होता है प्यारे बच्चों, तो होता है C2H5OH, और इसको क्या कहा जाता है, धान एल्कोहल के नाम से भी इसको जाना जाता है, धान एल्कोहल भी इसको कहा जाता है, धान एल्कोहल मतलब ग्रेन एल्कोहल के नाम से भी जाना जाता है इसको, क्योंकि ये धान से प्राप्त किया जाता है, ठीक है। और इसके अन्य इसके निर्माण की विधि के बारे में बात करते हैं प्यारे बच्चों, तो निर्माण इसका कैसे किया जाता है, निर्माण इसको स्टार्च युक्त यौगिकों से करते हैं, स्टार्च युक्त यौगिकों से इसका निर्माण किया जाता है, स्टार्च युक्त यौगिकों से निर्माण करते हैं प्यारे बच्चों। तो स्टार्च युक्त यौगिकों में नंबर एक हम इसमें करेंगे सेकेरीकरण करते हैं, तो हम लेते हैं C6H10O5 एन मॉलिक्यूल स्टार्च के लेते हैं, हम स्टार्च के कितने मॉलिक्यूल लेते हैं, हम एन मॉलिक्यूल ले लेते हैं, एन सी सिक्स एच टेन
O5 इसके ले लेते हैं, इसकी वाटर मॉलिक्यूल से रिएक्शन करवाते हैं प्यारे बच्चों, तो इसमें हमें क्या मिल जाएगा, N वाटर मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन करते हैं तो NC6H12O6 हमारे पास बन जाता है, जिसको हम कहते हैं ग्लूकोज, सॉरी इसके लिए हम इसमें करते हैं C12 आता है इसमें, इसका फॉर्मूला H22 एंड O11 एंड प्रोडक्ट बनता है इसमें हमारे लिए C12H22O10 इसका फॉर्मूला होता है, और इसकी रिएक्शन हम NH2 वाटर मॉलिक्यूल के साथ करा देते हैं तो बन जाता है C12H22 and O11, ठीक है, H20O10 एंड प्रोडक्ट बन जाता है माल्टोज। क्या बन जाता है प्यारे बच्चों, माल्टोज इसमें बन जाता है, ठीक है। अब ये जो रिएक्शन है ये संपन्न होती है डायस्टेज एंजाइम की उपस्थिति में, डायस्टेज एंजाइम की उपस्थिति में ये रिएक्शन कंप्लीट होती है। नंबर दो, सेकरीकरण के बाद में हम माल्टोज का ग्लूकोज में परिवर्तन पड़ेंगे, माल्टोज का ग्लूकोज में परिवर्तन पड़ेंगे। तो माल्टोज को ग्लूकोज में परिवर्तित कैसे किया जाता है इसके बारे में बात करेंगे। तो माल्टोज का फॉर्मूला लिख दिया C12H22O11, और ये जो है इसका हमें करना है वाटर हाइड्रोलाइसिस H2O के साथ में रिएक्शन। ये रिएक्शन जो होती है वो माल्टेज एंजाइम की उपस्थिति में होती है, उत्पाद बन जाता है C6H12O6, दो अणु बन जाते हैं किसके, ग्लूकोज के दो अणु बन जाते हैं, ठीक है। इसके बाद तीसरी रिएक्शन होती है ग्लूकोज का एथेनॉल में परिवर्तन, ग्लूकोज का एथेनॉल में परिवर्तन। तो ग्लूकोज का एथेनॉल में परिवर्तन करेंगे, C6H12O6 लेंगे हम दो अणु इसके, और C6H12O6 का एक अणु लेकर के इसकी रिएक्शन होगी जाइमेज एंजाइम की उपस्थिति में करते हैं। तो प्यारे बच्चों देखेंगे हम कार्बन कितने हैं यहाँ पर, इसमें 6 कार्बन है हमारे पास में, दो अणु इसके बन जाएंगे C2H5OH के, इसमें C2H5OH इसमें हमारे पास में बन जाएगा, और 2CO2 वाटर मॉलिक्यूल इसमें से रिमूव हो जाएंगे, ठीक है। 2CO2 तो 4 इसमें क्या आ गए कार्बन, ये और 2 कार्बन CO2 में आ गए, टोटल 6 कार्बन, हाइड्रोजन टोटल 10 और 2 12 आ गए, ऑक्सीजन टोटल 6 आ गए, मतलब एथेनॉल और CO2 इसमें से बाहर निकल जाती है। यदि ग्लूकोज की अभिक्रिया होती है जाइमेज एंजाइम की उपस्थिति में तो एथेनॉल और क्या बन जाता है CO2। तो इस प्रकार से स्टार्च युक्त यौगिकों से इसका निर्माण किया जाता है, एथेनॉल का निर्माण किया जाता है, तो एथेनॉल के निर्माण की ये एक विधि है, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं एथेनॉल के भौतिक गुणों के बारे में और एथेनॉल के उपयोग के बारे में। फिजिकल प्रॉपर्टीज, भौतिक गुण मतलब यह जल में विलेय होता है, C1 से C12 तक द्रव उभय ऊपर के ठोस होते हैं, ऊपर के अल्कोहल क्या होते हैं ठोस होते हैं। नंबर 3, जल के अणुओं के साथ हाइड्रोजन बंध बनाता है। नंबर 4, इसकी ज्वलनशील प्रकृति होती है। कौन सी प्रकृति होती है इसकी, ज्वलनशील प्रकृति होती है। और नंबर 5, इसका गलनांक क्वथनांक एल्केनों से अधिक होता है, गलनांक क्वथनांक किससे अधिक होता है, एल्केनों से अधिक होता है, ठीक है। इस प्रकार से प्यारे बच्चों हमने ये कंप्लीट किया है, गलनांक क्वथनांक इसका एल्केनों से अधिक होता है, ज्वलनशील प्रकृति इसकी होती है, जल के अणुओं के साथ हाइड्रोजन बंध बनाता है, C1 से C12 तक द्रव व ऊपर के क्या होते हैं ये ठोस होते हैं, जल में विलेय होते हैं। ये इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात की। अब हम इसके उपयोग के बारे में बात करेंगे, उपयोग है इसके कार्बनिक यौगिकों के संश्लेषण में, जैसे CHI3, CHCl3, CH3CHO,
CH3CO CH3 इन यौगिकों के संश्लेषण में प्रयोगशाला अभिकर्मक के रूप में। प्रयोगशाला अभिकर्मक के रूप में सौंदर्य प्रसाधन के क्षेत्र में दवाइयों के निर्माण में नंबर 5 पूतिरोधी के रूप में एंटीसेप्टिक इसकी नेचर होती है। ये इनके एथेनॉल के यूजेज होते हैं। ठीक है, कार्बनिक यौगिक के रूप में प्रयोगशाला अभिकर्मक।